पिछले दिनों सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी। कुछ दिन पहले ये भी खबरें आई थी कि उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही उन्होंने एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। सलमान ने अपनी बढ़ी सुरक्षा और पूरे माहौल पर हाल ही में बात किया। उन्होंने आपकी अदालत में बताया कि पहले की तरह वो अकेले कहीं नहीं जा सकते। कहा कि जब वो ट्रैफिक में होते हैं तब उन्हें सिक्योरिटी से दिक्कत होती है, उनके साथ इतनी गाड़ियां चल रही होती हैं कि आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। सलमान बताते हैं कि आजकल इतनी बंदूकें साथ चलती हैं कि उनसे डर लगने लगा है। उन्होंने इस बारे में कहा, मुझे छेत मिले हैं, जो भी मुझसे करने को कहा जा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हमारी पिक्चर किसी का भाई किसी की जान में एक डायलॉग है कि उनको 100 बार लकी होना पड़ेगा और मुझे सिर्फ 1 बार। मुझे बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सलमान ने कहा कि चाहे वो फिल्म का शूट हो या कोई और इवेंट, वो पूरी सिक्योरिटी के साथ ही जाते हैं। उन्होंने आगे बताया, मैं जानता हूँ कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, और मुझे भरोसा है कि भगवान है। ये नहीं कि भगवान है तो मैं खुला बाहर घूमना शुरू कर दूँ। आजकल इतनी सारी बंदूकें साथ चलती हैं कि डर लगता है, सारी बंदूकें इधर उधर पॉइंटेड रहती हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। कुछ दिन पहले आए कथित टीवी इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा था कि सलमान ने बिश्नोई समाज का अपमान किया है और वो उनसे बदला लेना चाहता है। उसने कहा कि सलमान को मारना उसके जीवन का मकसद है। बचपन से उसके मन में सलमान को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। सलमान का नाम 1998 के ब्लैकबक केस में शामिल था, उसी वजह से लॉरेंस उन्हें मारना चाहता है। उनसे पूछा गया कि क्या वो इस बात से अवगत हैं कि उन्हें ब्लैक बक केस की वजह से थ्रेट मिल रहे हैं। इस पर सलमान का कहना था, मुझे नहीं पता ये क्या है, हमारी न्यायपालिका बड़ी काबिल है, वो डिसाइड करेगा, हमारे जज साहब डिसाइड करेंगे, जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। बता दें कि बीती 18 मार्च को सलमान के एक सहयोगी को धमकी भरा ईमेल मिला था। लिखा कि गोल्डी बरार सलमान से बात करके मैटर क्लोज करना चाहता है, अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका देखने को मिलेगा। इस मेल के बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ केस रजिस्टर किया। सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई। उससे पहले बीते साल सलमान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा खत मिला था। इसमें सलमान और सलीम खान की हालत सिद्धू मूसेवाला जैसी करने की बात कही गई थी। इसके बाद न्यूज आई थी कि लॉरेंस ने सलमान को मारने के लिए इंतजाम कर लिए थे। उनकी हत्या के लिए 4 लाख की बंदूक खरीदी थी, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। 2021 में पुलिस ने जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान मामले में पूछताछ की थी। इस इंटरोगेशन की कॉपी इंडिया टुडे के हाथ लगी। इसमें लॉरेंस ने पुलिस को बताया कि राजस्थान बेस्ड गैंगस्टर संपत नेहरा सलमान खान को मारने वाला था। लॉरेंस के ऑर्डर पर संपत ने सलमान के मुंबई वाले घर और उसके आसपास के इलाकों की रेकी कर ली थी। एक दिन संपत को सलमान दिखे, मगर वो उन्हें मार नहीं पाया क्योंकि उसके पास पिस्टल थी। सलमान पिस्टल की रेंज से बाहर थे, इसलिए वो उन्हें शूट नहीं कर पाया। बहरहाल सलमान ने कहा है कि वो इस थ्रेट को सीरियसली ले रहे हैं और अपने एंड से कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।